मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने कामकाज के 180 दिनों का ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए संकल्पित है। हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उन पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। करीब 41 संकल्पनाओं को हमने पूरा कर दिया है, वहीं 200 से अधिक संकल्पनाओं को सरकार जल्द ही पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी के संकल्प पत्र में कुल 456 वादे किए गए थे, जिनमें से हमने 41 पूरे किए हैं। बचे हुए 218 संकल्प पर तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, सुशासन, महिला कल्याण, शिक्षा और गरीब कल्याण, किसान कल्याण के साथ कई और फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि मंत्रियों को जल्द ही जिलों के प्रभार सौंपे जाएंगे। वहीं मोदी सरकार में मध्य प्रदेश को 6 मंत्री पद मिलने पर सीएम मोहन ने प्रशंसा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लोकसभा चुनाव में बेहतर काम किया है, उसी का नतीजा है कि केंद्रीय नेतृत्व में प्रदेश को 6 मंत्री मिले हैं। गांव गोद लेगा, मोटे तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि अपने मंत्रिमंडल के साथियों से भी एक एक स्कूल गोद ले, ताकि वो स्कूल पे अपना ध्यान केंद्रित करे। अधिकारियों से भी इसी प्रकार से कहा है कि वो भी अपने लिए इसी प्रकार से पर्यावरण से जुड़े हुए और प्रदेश के अंदर कुछ यूनिक काम भी किए हैं, जैसे IIT का डीप टेक रिसर्च सेंटर हमने अपने प्रदेश में बनवाया, जिसका भूमि पूजन हमने किया है। ये IIT इंदौर का सेंटर उज्जैन तक आएगा, उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ करके, तो ये एक तरह से पूरे देश का आधुनिक मॉडल रहेगा। मध्य प्रदेश में साइंस सिटी की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से, जिसको वेधशाला बोलते हैं और अंग्रेजी में ऑब्जर्वेटरी, साइंस की ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से भी पुराने ज्ञान का एक नया केंद्र यहाँ बने, ऐसे एक वैदिक घड़ी की भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से शुरुआत कराई। ऐसे बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ स्थायी काम भी हमने किए जो अपने आप में मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाएंगे। जैसे आप सबको जानकारी है, बाबा महाकाल के महालोक में प्रतिमाओं को लेकर के प्रश्न उठा था, FRB की प्रतिमाओं के लेकर, तो हमारे प्रदेश के अंदर हमने प्रयोग किया है कि ठोस पत्थर की प्रतिमा वहाँ बना के लगा देंगे। और इसमें एक बड़ा निर्णय ये कर रहे हैं कि वो प्रतिमा कहीं से ऑर्डर पे नहीं बनवाएंगे, कलाकारों के कला शिविर के माध्यम से पत्थर दे करके वो प्रतिमाओं का एक तरह से उपक्रम चालू कर रहे हैं कि भविष्य में भी मध्य प्रदेश में प्रतिमा बनाने का स्थान बने, ताकि जयपुर या बाकी जो शहर प्रसिद्ध है ऐसी प्रसिद्धि अपने प्रदेश में भी मिले। तो अपने प्रदेश में वो प्रतिमा वहाँ लगाते हुए बाकी भी जहाँ जहाँ लगाना रहेगी, तो एक तरह से वो उनकी कीमत खरीदने के बजाय कलाकारों के सहयोग से वो प्रतिमा बने और एक कला का एक नया उनका अपना एक कारोबार प्रारंभ हो जाए। वहीं सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां चुनाव के दौरान एयर एम्बुलेंस की सेवा दी जा रही थी, जिसका चुनाव आयोग ने भी अच्छा उपयोग किया है। हर चरण के चुनाव में किसी भी गतिविधि को बढ़ाने से पहले एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। मध्य प्रदेश ने एयर एम्बुलेंस का सबसे अच्छा प्रयोग किया है। एयर एम्बुलेंस हमारी लोकार्पित हो चुकी है और आप सबके माध्यम से इसको अच्छे से आप पब्लिश भी करिए या अपने चैनल पे बताइए भी कि जहाँ कहीं पर भी अभी चुनाव आयोग ने उसका अच्छा उपयोग किया था, मतलब उसको अपने यहाँ सुरक्षित रखवा करके कोई भी कैजुअल्टी या भविष्य की संभावना को लेकर एयर एम्बुलेंस लेकर के पूरे देश का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश था जहाँ पर यह हर चरण के बाद एक सुविधा दी गई थी। तो ये आज भी किसी को किसी नगर में किसी जगह पर एयर एम्बुलेंस की जरूरत हो, बस इतना ही डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर डिसाइड करें कि इसको और उन्नत जगह ले जाना है, तो एयर एम्बुलेंस के 2 हेलीकॉप्टर 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा के साथ मध्य प्रदेश में उपलब्ध। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।